हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं विराट कोहली का पोर्ट्रेट। तो हम चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पोर्ट्रेट मैंने ग्रिड लाइंस की हेल्प से बनाया है। इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो डाल चुकी है कि हम ग्रिड लाइंस का यूज़ करके कैसे पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो मैं इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। और मैं इसमें डॉम्स की शेडिंग पेंसिल जो है उनका यूज़ कर रही हूँ। आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाएंगी और आप इस ये अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। और इसमें मैंने जो आपने मैकेनिकल पेंसिल देखी है, नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मैंने उससे ये जो बियर्ड आप देख रहे हैं उसमें मैं शेड कर रही हूँ, ये मैंने उस नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल से शेड किया है। आप भी ऐसी ही शेड कर सकते हैं। और एक मैंने इसमें मैकेनिकल इरेजर यूज़ करी है, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी बहुत ही चीप प्राइस में। और ये आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पेपर क्यों रखा हुआ है, ये मैंने पेपर इसलिए रखा हुआ है कि ताकि मेरी जो ड्राइंग है वो ख़राब नहीं हो। तो आपने देखा होगा बहुत बार हम नॉर्मल हैंड से ड्राइंग कर लेते तो हमारा पूरा जो पेज है वो ब्लैक हो जाता है, इसलिए वैसा मेरा पेज जो है वो ब्लैक ना हो इसलिए मैंने ये पेज यूज़ किया है अपने हैंड के नीचे। मैं एक चीज़ स्टार्ट करना आपसे सजेशन चाहती हूँ स्टार्ट करने का, क्या मेरे को अपने चैनल पर ट्यूटोरियल्स वीडियो डालनी चाहिए? यूजुअली तो मैं टाइमलेस वीडियो डालती हूँ, तो आप मेरे को कमेंट में सजेशन देना कि मेरे को ट्यूटोरियल वीडियो डालनी चाहिए या नहीं। और प्लीज़ कमेंट में बताना मेरे को कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय।